जो है सबसे पहले तो मैं टाटा टेक के साथ ही करूंगा विवेक, क्या जबरदस्त लिस्टिंग हुई, मतलब कुछ बस यही कह सकता हूं कि बस बहुत शानदार। क्या रहा अभी टाटा टेक को लेकर? मैं टाटा टेक के ऊपर आने के पहले एक और चाहूंगा मनीष, आप चाहे व्यूअर्स को बीएसई आईपीओ इंडेक्स करके एक अलग से इंडेक्स है उसको दिखा दीजिए, जो दिखाता है कि पिछले 5 साल में करीबन 4 गुना बढ़ा है और पिछले 1 साल में करीबन 50-60% बढ़ा है। तो यही है कि आप बढ़िया कंपनी और बढ़िया आईपीओ में दाव लगाओगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा। और एक और म्यूचुअल फंड भी है जो खाली आईपीओ में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको भी आप अगर देखोगे तो पिछले 3 साल का रिटर्न करीबन 24% क्या अगर उसने दिया है, तो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है ये। अब आते हैं टाटा टेक पे। देखिए, इतना बढ़ने के बाद आज अगर ये आईपीओ आता 1200 या 1300 में तो हो सकता है कि इसका सब्सक्रिप्शन बहुत कम होता और इन दामों में ये फेयरली प्राइज, या मैं बोलूंगा कि जितना पॉजिटिव होना चाहिए स्टॉक के लिए वो सारा फैक्टर इन कर रहे हैं लॉन्गर टर्म में। हाँ, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो जितने भी आप टाटा ग्रुप के बाकी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देख लो अच्छे परफॉर्म किए हैं, तो लॉन्गर टर्म में हो सकता है कि परफॉर्म करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हम लोग वापस बात करते हैं कि काफी लिस्टिंग के बाद स्टॉक्स में करेक्शन आता है, तो वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हो जाए कि आपको आज लिस्टिंग गेन मिल रहा है और बाद में आपको नुकसान झेलना पड़े। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक कीजिए और ऑन डिप्स अगर ये जाता है 1000 या 1100 के आजू बाजू तो मैं पक्का वापस री एंट्री करना चाहूंगा, लेकिन इन दामों में मोस्टली ज्यादा का ज्यादा जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स है सारे के सारे उसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और एक और चीज, जो आईटी ओवरऑल स्पेस है वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, तो ये आईपीओ का फ्रेंजी है, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाकी आईटी कंपनीज की तरफ भी देखना चाहिए इस वक्त। टाटा टेक पे रहा है कि आप एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर लीजिए, विवेक की राय है, और आपको गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, अगर 1000 रुपए के नीचे मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं।